क्लैश ऑफ क्लांस का न्यू चैलेंज आ चुका है, हम लोग भी 3 स्टार कर चुके हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं एंड देखते हैं कैसे करना है 3 स्टार। तो कैसे आप लोग हे गाइस, मैं प्रीतम, आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लैश ऑफ क्लांस के एक और नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही मजा करने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो जून क्वालिफायर चैलेंज है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है हमारे इवेंट सेक्शन में, एंड हम लोग आज इसको क्लियर करने वाले हैं 3 स्टार इस वीडियो के अंदर। सो आप लोग अगर जानना है कि कैसे 3 स्टार करना है एंड कैसे आप लोग कलेक्ट कर सकते हो 400 एक्सपीरियंस एंड 21 जेम्स, उसके साथ बिल्डर पोर्शन भी मिलने वाला है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो यार, वरना टाइम भी चला जाएगा और आप लोगों का याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग इस बेस को 3 स्टार कर सकते हो। चलिए अभी पहले हम लोग अटैक के ऊपर कूदते हैं और देखते हैं कि कैसे आप लोगों को 3 स्टार करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर बेस खुल चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 11 o'clock से क्वीन चार्ज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस साइड से हम लोगों को ईगल अटलरी एंड मल्टी इन्फिनो भी मिल जाएगा एंड रॉयल चैम्पियन भी मिल जाएगा उसके साथ, तो बिल्कुल सही होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं एंड इस साइड पर हम लोग किंग डालकर स्कैटर शॉट ले लेंगे, वाल रेकर भी उसके साथ डालकर टाउन हॉल तक पहुंचा देंगे एंड टाउन हॉल के भी वहां पर ले जाएंगे। यह हमारा प्लान है, बाकी देखते हैं, रेज डालना पड़ेगा यहां पर। ओके, तो क्वीन हमारा यहां पर सही चल रहा, किंग एंड वाल रेकर भी सही चल रहा है, बस टाउन हॉल पहले निकल जाए। सीसी यहां पर निकल चुका है, 2 हेड हंटर एंड यहां पर लावा हाउंड निकल चुका है एंड आइस गोलम भी निकल चुका है, इससे बहुत ही डैमेज देने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं, वाल ब्रेकर तो पहुंच चुका है, टाउन हॉल अभी ख़त्म हो ही जाएगा श्योर लग रहा है, बाकी किंग भी बचा है अभी तक। ओके, किंग ख़त्म एंड टाउन हॉल भी यहाँ पर मिल गया है, चलो सब कुछ सही है, मिल चुका है हम लोगों को। तो अभी लावा हाउंड फटने वाला है, तो पॉइजन तो नहीं है, पहले से ही यूज कर लिया है, छोड़ो। तो यहाँ पर रेज स्पेल डाल देते हैं, तो सही है, वाल ब्रेकर भी सही से डाला है। ठीक है, अभी हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए क्या क्या सीन होगा। यहाँ पर सबके सब ड्रैगन एडर छोड़ देते हैं, और क्या ही बचा है मतलब बेस में, क्वीन तो आकर ओपोनेंट का क्वीन ले ही लेगा एंड ग्रैंड वार्डन डाल देते हैं, यहाँ पर एबिलिटी दे देते हैं, वरना स्कैटर शॉट बहुत ही डैमेज देगा यहाँ पर एबिलिटी। रॉयल चैम्पियन भी यहाँ पर डाल देते हैं, ओके इस साइड पर, ओके ठीक है, सब कुछ सही चल रहा, और क्या ही बचा है, मतलब श्योर है कि 3 स्टार है ये, और कोई नहीं रोक सकता इस बेस को 3 स्टार होने से। आरसी की एबिलिटी, ओके सब कुछ सही जा रहा, यहाँ पर इनविजिबल कर देते हैं, ओके सब कुछ सही है, बाकी देखते हैं यहाँ पर। ओके फ्रीज, सब सही है, चलो फाइनली ये 3 स्टार हो गया, और कोई डिफेंस भी बचा नहीं है बेस के ऊपर ज़्यादा डैमेज देने वाला, बस एयर डिफेंस है वो एक दिक्कत दे सकता है। 86% तक आ गए हैं, अब वापस भी नहीं जा सकते हम लोग, तो 3 स्टार करके ही जाना पड़ेगा। ओके, एयर डिफेंस ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया एंड यहाँ पर सिर्फ क्लीन अप ही बचा है, 25 सेकेंड अभी भी बचा है, मतलब समझ रहे हो बहुत ही ज़्यादा टाइम है अब तक। तो फाइनली ये 3 स्टार हो ही गया, 99%, और भाई परफेक्ट, तो हो गया है हमारा यहाँ पर 3 स्टार अटैक। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को हर वक्त हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग इसके नेक्स्ट। अगर आप लोगों को टाउन हॉल 11 के बेसिस चाहिए तो मैं आई बटन पर लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो। तो बस गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।